गंज बासोदा विधानसभा में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि विधानसभा में 256 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसमें से 2 पिंक बूथ थे। मतदान संपन्न होने के बाद मतदान पार्टी के द्वारा ईवीएम मशीन सहित मतदान सामग्री सौंपने के पश्चात गंतव्य के लिए रवाना हुए। वहीं क्षेत्र में 76.76% मतदान हुआ है। मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन बंद हो गई, जिससे वहां पर मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। वहीं मतदान के दौरान छोटी मोटी झड़पों की अफवाह भी आती रही है। नगर के पोलिंग बूथ क्रमांक 85 एवं 87 पर कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प के समाचार प्राप्त हुए। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस दर्ज करवाया है। एसडीओपी देवेंद्र यादव ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी मतदान केंद्र पर सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात किया गया था, इस वजह से कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हो सकी। आप लोगों ने भी देखा होगा और जानकारी ली होगी, मतदान आज से 1 घंटे पहले तक 70% के तकरीबन करीब पहुंच चुका था। और जब मतदान में इतनी जोर से जन आंदोलन के रूप में भागीदारी होती है तो बदलाव का एक स्वरूप होता है। मैं आप सबके माध्यम से मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, आपको संदेश देना चाहता हूँ कि बदलाव का मतदान है। काफ़ी भारी संख्या में हम लोग 80% से ऊपर मतदान की उम्मीद कर रहे हैं वासुदा में और पूरे ज़िले में, तो हम लोग बदलाव निश्चित लेंगे। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, इसके अलावा क्षेत्र में क्या स्थिति और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? और विधानसभा निर्वाचन 2018 को देखते हुए हमारे क्षेत्र में जो है लगभग 1500 से अधिक पुलिस बल तैनात है और पूरे 256 मतदान केंद्र हैं, उनके लिए 30 पुलिस सेक्टर मोबाइल बनाई गई है। उसके अलावा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की मोबाइल 30 घूम रही है। उसके अलावा QRT के रूप में जो है 5 जगहों पर जो है टीम हमारी तैनात है और साथ में थाना प्रभारी की टीम भी लगातार भ्रमण कर रही है और हम लोगों की मोबाइल जो है लगातार भ्रमण कर रही है। सर, क्षेत्र से अभी कोई जानकारी ऐसी कोई विशेष तो नहीं है? अब अभी वर्तमान में सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान चल रहा है और अभी तक सभी शांत। अच्छा लगा कि हमने पहली बार वोट दिया और लोकतंत्र में वोट का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम बस ये चाहते हैं, हमारा एक ग्रुप है लड़कियों का सोच के नाम से, और हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि हम लड़कियों के ऊपर काम करते हैं। और आज तो हम इसलिए निकले हैं सब लोग साथ में क्योंकि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं कि एक एक वोट का बहुत महत्व है, हमें अपना सही कैंडिडेट चुनना है और हमारे गंज बासोदा को और आगे पहुंचाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जागृत हों और एक जो सही हो उसे चुने। और हम लोग काम करने के लिए, हमारी शुरुआत हो चुकी है महिलाओं के लिए, हमारे पीछे कम से कम 400-500 लड़कियां हैं जिन्होंने शुरुआत कर दी है महिलाओं के ऊपर काम करने की, उन्हें शिक्षा दिलाने की। हम लोग अपनी फ्री कोचिंग से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, उन्हें सिखाएंगे, डांस क्लासेस स्टार्ट की हैं।